मैं जगतार सिंह पुरी, यमुनानगर, हरियाणा, इंडिया। आज मैं यहाँ गांव पोपना, जिला मोहाली, तहसील खरड़ और पिन कोड है इसका 140307, जिन्होंने मुझे बुलाया है उनका नाम है पिंकी और इनके जो पति हैं वो चलाना कर गए हैं, गुजर गए हैं। ये विधवा है, उनका नाम था नरेंद्र पाल सिंह। तो मैं यहाँ आया हूँ, इन्होंने बुलाया था मुझे, और बुलाने का कारण क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दो भाई दो बहनें हैं, बहनें ब्याही हुई हैं। भाई एक इनका जो जेठ जी है दयाल, तो इनका ये देखिए, ये पिंकी जी का जो है, ये ऐसे मकान है, ये इन्होंने अपना छोटा सा बना रखा है। और ये जो है यहाँ पे इनका जेठ जी रहते हैं, जिनकी कोई शादी शुदी नहीं है, उम्र लगभग 55-60 साल है ये। और इनका मसला देखिए क्या, जब घर में फूट पड़ जाती है तो मसला क्या होता है, मैं ये सिर्फ ये दिखा रहा हूँ आपको। ये कमरा इन्होंने दे रखा है इसको, ये इसकी हालत है देखिए, इन्होंने मुझे बुलाया था, ये हालत है इसकी देख लीजिए। इन्होंने मौजूद लोगों को भी दिखाया पहले, ये पूरी टेढ़े आई हुई हैं इस कमरे में। मैं अंदर तो जाने से तो ताला लगा हुआ है, ये देखिए बाहर से देखिए इसका क्या हाल है, ये ताला लगा हुआ है। मैं अंदर तो जा नहीं सकता, लेकिन अंदर मैंने देखा था वो लेंटर जो है वो ईंटों पर नहीं है, वो लेंटर ईंटें जो बाहर चली गई हैं, दीवार बाहर चली गई है। तो इसके कारण अभी देखिए, जब बेतवाकी हो जाती है घर में क्या हालत होती है। ये है पानी की निकासी कहीं नहीं है। ये जो जेठ जी का प्रोग्राम होने, रिश्तेदार कई इकट्ठे हुए थे, मैं भी उनमें था, तो ये हमने हिस्सा इसको दे दिया था। और इनका कुछ पैसा, इनकी माता जी का, इनके सासू का पैसा जमा था, वो सब ने बोल दिया कि ठीक है, वो पैसा जो है वो यहाँ पे मकान बनाना था, हमने इसको बोल दिया मकान बना दो। इन्होंने बोला ठीक है, मैं शिफ्ट कर दूँगा, वो मकान छोड़ दूँगा जो पहला मकान है। ये देखिए, ये मोर भी आ गया ऊपर, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है दीवार देख सकते हैं आप, कभी भी ये गिर सकती है। और इसी दीवार ने जो है, ये देखिए मोर आ गया, तो ये कभी भी गिर सकती है ये। और ये सिर्फ कारण क्या, पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल, और ये जानबूझ कर किया हुआ काम है। आप देखिए, कौन ऐसा इंसान है जो पानी को, सारा पानी जो है यहीं जज्ब होगा तो मकान तो गिरेंगे भाई। अगर पानी की निकासी नहीं होगी, नहीं करने देंगे आप, तो मकान तो गिरेंगे ये। तो ये इनका जो रहायशी मकान है उसके, ये देखिए पूरी टेढ़े आ चुकी हैं। मैंने बहुत जोर लगाया इनसे, भाई साहब से बोला, दयाल सिंह से, कि इसको रिपेयर कराते हैं, कुछ ना कुछ कराते हैं, लेकिन बिल्कुल भी कान पे जू नहीं सरकी इनके। ये देखिए सब टेढ़े आई हुई हैं, रहायशी मकान है इनका, पिंकी जी का। और ये पूरा पूरा देखिए, ये देखिए, और इन्होंने मुझे लोगों को भी दिखाया आके, इन्होंने फिर मेरे को टेलीफोन किया, इनको टेलीफोन नंबर मेरा कहीं से मिला होगा, इन्होंने टेलीफोन किया। मैं यहाँ पे हालात देखने के लिए आया, मैं हैरान रह गया। ये देखिए पूरा रिपेयर हो रखा है इनका पहले, ये पूरा जो है टेढ़े आई हुआ पानी, क्योंकि पानी का वो जेठ जो है पानी की निकासी देता नहीं है, तो मकान तो गिरेंगे, मकान तो गिरेंगे। तो इसलिए मैं तो, मेरे को 4-5 दिन हो गए यहाँ पे, पूरा जोर लगा दिया, लेकिन कोई सुनता। हाँ जी बीबी जी, क्या बात, क्या गल है तुहाडी, क्या मकान तुहाडे कितना गिर रहे हैं? सारा टेढ़ा आ गया पंजा जी। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ? ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਠ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ?
ਜੇਠ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦਾ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੋੜੇ 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 ਪਏ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਟਾਂ ਪੰਜਾ ਰੋੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਸੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਰ ਪੰਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤੋ ਵੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਹੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇ ਲਿਆ ਮੇਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੋਪਨਾ ਗਾਓ ਪੋਪਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਖਰੜ ਪਿੰਨ ਕੋਡ 1403037 ਔਰ ਇਨਕਾ ਪਿੰਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਅਭੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਥੇ ਔਰ ਇਨਕੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਨਕਾ ਨਿਰਪਾਲ ਹੈ, ਇਨਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਇਨਕੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਦਮੀ ਭੇਜੇ, ਕੈਸੇ ਵੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ, 5-4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਭੀ ਇਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕਭੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਭੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਕਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਰੇਗਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸਕੀ ਹਾਲਤ ਮਕਾਨ ਕੀ, ਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਤੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਵੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਯਹੀ ਕਰਤਾ ਨਿਵੇਦਨ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸਕਾ ਉਪਾਏ ਕਰੇ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਵਾਏ, ਇਨਕਾ ਮਦਦ ਕਰੇ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ।